नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे डिस्कशन करूंगा विप्रो का रिजल्ट के बारे में। मतलब विप्रो का क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट पब्लिश ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर चलो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कशन किया गया है, क्या क्या अपडेट्स है। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज किस तरीके से हुआ वो देख लेते हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 2,34,790। तो पहले बता दूँ ये जो डेटा है वो टोटली मिलियन में है, तो मिलियन को मैं करोड़ कन्वर्ट कर दूंगा। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको करोड़ कन्वर्ट कर दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले बार मतलब पिछले क्वार्टर में कितना था, 2,38,356। इस और पिछले सालों में कितना था, 2,20,000। इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी का जो रिजल्ट है, इनकम है, वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। मगर क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में जो इनकम है वहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला। तो एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंस जितने सारे एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, और भी देखिए जो ट्रैवल कॉस्ट है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, साथ साथ लीगल और प्रोफेशनल जो चार्जेस है, तो सब कुछ मिटाने के बाद, सॉफ्टवेयर जो सारे चार्जेस है सब कुछ मिटाने के बाद टोटल एक्सपेंस हो चुके हैं 1,96,800, जो पिछले बार था 1,98,100 और पिछले सालों में था 1,86,400। तो एक्सपेंस भी कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा कम किया पिछले बार के तुलना से, पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो टोटल अभी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद, सारे टैक्सेस को पे करने के बाद टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आया, 28,860, और पिछले बार था 30,935 और पिछले सालों में था 25,500। तो इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दूं तो 2,886 करोड़ का टोटल इस बार प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार था 3,000, एक बार लिखना चाहूंगा, 3,093 करोड़ का, और पिछले साल में था 2,558 करोड़ का। तो और इस बार कितना हुआ, 2,885 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में चेंज हुआ, अच्छा खासा लेवल्स अचीव किया, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब एस्टिमेट बीट नहीं कर पाया, तो कल के दिन थोड़ा सा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो पिछले बार अर्निंग था 4.69, इस बार बन चुके हैं 5.23 और पिछले क्वार्टर में था 5.661। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रिजल्ट का। तो आप इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।